हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज फ्रूट्स बर्फी। और रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे सूजी, एप्पल और बनाना की स्वीट डिश। तो उसके लिए मैंने लिया है, यहाँ पे सूजी ली है, रवा लिया है, यह है एक कटोरी और ये महीन वाली सूजी है। और दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे शुगर पाउडर, इसको आप घर में ग्राइंड भी कर सकते हैं या मार्केट से पाउडर भी मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी, देखिए एक छोटी कटोरी यहाँ पे दूध है, मिल्क। और यहाँ पे मैंने लिए किशमिश, बादाम, फूड कलर, थोड़ा सा सोडा। और मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल को यूज करूंगी और एक बनाना जो गल गया है, जो गल जाता है बनाना, ये खराब नहीं होता है, ये बस बहुत गल जाता है और ये गलने पे और भी हेल्दी हो जाता है, बट कोई खाता नहीं है, पसंद नहीं करता है, तो इसको मैं यूज कर लूंगी स्वीट डिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्पल लूंगी और एप्पल को घिस लूंगी। चलिए मैं घिस लेती हूँ और बनाना को मैश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है केले को मैश कर लिया है और एप्पल को घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, सूजी में हम डालेंगे एक कटोरी दूध और अब अपने अंदाज से ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच शुगर पाउडर लिया है। मैं यहाँ 4 बार डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मीडियम साइज के चम्मच लिया है तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 2 बड़े चम्मच आप मान सकते हैं शुगर पाउडर डाला है मैंने। और अब डालेंगे थोड़ा सा सोडा, बिल्कुल पिंच भर सोडा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा ये बादाम, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। अगर आपको दूध कम लग रहा है तो आप दूध डाल सकते हैं और नहीं तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। केला और सेब भी ऐड कर दिया है और मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है, ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम मिक्स हो गया है और मैंने यहाँ पे कोई घी तेल का यूज नहीं किया है किसी भी चीज़ का। आप चाहें तो देसी घी मिला सकते हैं बट मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी, घी का भी यूज़ नहीं करूँगी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको मैं पकाऊंगी कढ़ाई में। चलिए स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन करते हैं। तो मेरा बैटर रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग के लिए कुछ करते हैं। और मैंने किया ये है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है और मैं इस प्लेट में चारों तरफ लगा दूंगी, अच्छे से इसको ग्रीस कर दूंगी जिससे ये जो बैटर मैं इसमें डालूंगी जो वो इसमें चिपके नहीं। प्लेट को ग्रीस कर दिया है मैंने, अब चलिए बैटर सेट कर लेते हैं। इसमें बैटर में इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो किसी बाउल वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लेट मैंने इसलिए ली थी इसकी बर्फी अच्छी कटेगी। तो ये सेट हो गया है, चलिए अब इसको गैस पे रख। देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को पहले से गैस पे रखा हुआ था गर्म करने के लिए, गर्म हो रही है और इसके ऊपर मैंने एक जाली रखी है, जाली के ऊपर मैंने ये प्लेट रख दी है। और बाकी के जो बचे बादाम और किशमिश और आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी ले रहे हैं वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये हो गया, अब क्या करते हैं, अब इसको ढक देते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए। इसको मैं ढक दे रही हूँ, देखिए कि ये 20 मिनट बाद ये कैसा हो गया है, सूजी एकदम पक गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे चाकू डाल के आप देख लीजिए, आप अगर चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब सूजी एकदम बेक हो चुकी है। अब इसको उतार लेते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे बनाना है एक सीरम और जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप पानी। और जितना आपको आपने पानी लिया है उतनी आपको शुगर पाउडर या शुगर भी ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। तो मैं यहाँ 1 कप पानी में डाल रही हूँ 4 चम्मच शुगर पाउडर।
और इसकी एक तार की चाशनी रेडी कर ले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिंच भर, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फूड कलर, जिससे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा है और इसको बस चलाते हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक चलिए सूजी में कट्स लगा लेते हैं। काट करते हैं इसको, बर्फी के शेप का काट लेते हैं। मैं आपको काट के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी बर्फी में कट्स लगा लिए हैं, ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप में लगाए हैं। अब इसके ऊपर मुझे डालना है ये सीरम, डाल देते हैं चारों तरफ, अच्छे से डालते हैं कि जैसे चारों तरफ ये जला जाए और ये सोक कर ले। कट्स लगाने के बाद आप डालिए या पहले भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपने कट्स लगाने के बाद ये सीरम डालना है। तो ये देखिए पूरा, अब ये सीरम ये बर्फी पूरी सोक कर लेगी। थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आपको प्लेट में लगा के मैं दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है ये बर्फी। तो फ्रेंड्स देखिए बर्फी एकदम रेडी हो चुकी है, आप बताइए कि कैसी लग रही है। और इसमें एप्पल और बनाना का टेस्ट एकदम बढ़िया आ रहा है, मस्त आ रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी है। और इसमें बिल्कुल भी ऑयल फैट मैदा और ऐसा कुछ भी नहीं है, घी वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत ही टेस्टी मिठाई है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको कैसी लगी बताइएगा।